हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर वन है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। देखो उस संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने से पहले, वैसे हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें तीन चार तरीके के सवाल मिलेंगे, जैसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ये आप आठवीं क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। और उसके अलावा कुछ वर्गमूल निकालना है, ठीक है, उसके साथ साथ परिमेयकरण करना, हर का रेशनलाइजेशन, ठीक है, डिनोमिनेटर का। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है अलग अलग एक्सरसाइज में, पॉइंट वन, पॉइंट टू, थ्री, फोर, इस तरह से, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम जो होता है, हमारा जो संख्या पद्धति है, इसमें हमें बेसिक्स आना चाहिए। वो बेसिक्स वैसे तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, आपने एक एक कई टाइप के नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है। देखो एक स्टोरी टाइप पढ़ते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और समझ में भी आता है, ठीक है। तो आपको एक बात बताता हूँ कि एक बार शुरू आज से कई साल पहले क्या हुआ, गिनती की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये तो है नहीं कि गिनती जैसे ही मानव इस धरती पे आए थे तुरंत गिनतियाँ चालू हो गई थी, गिनती को भी किसी ने बनाया ही होगा सबसे पहले। तो जब शुरू में गिनती की शुरुआत हुई, ठीक है, गिनती की शुरुआत हुई तो गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, वन से, टू, थ्री, फोर, इसी तरह तो काउंटिंग की स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। इस तरह से गिनती चालू की होगी जिसने भी खोज की होगी, वन, टू, थ्री, फोर, डैश 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 डैश, किसी चीज़ को गिनना, इसी तरह से तो गिनते होंगे कि भाई वहाँ पर चार जानवर खड़े हैं तो एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही तो गिनते होंगे, या इंसानों को गिनते होंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इस तरह से गिनती चलती होगी। तो ये जो गिनती की शुरुआत हुई थी वो इस तरह से हुई थी, ठीक है, और ये चलते रहेगा, गिनती कभी ख़त्म होती है नहीं होती ना, तो ये चलता रहेगा। तो जो चलता रहेगा वो कहाँ तक, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती उसे हम किससे डिनोट करते हैं, अनंत से, और अनंत का मार्क क्या होता है, ये, ठीक है। तो ये जो गिनती की शुरुआत सबसे पहले हुई थी इसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है, क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो यानी कि हमेशा याद रखना, वन से लेकर इन्फिनिटी तक को जो नंबर होते हैं, जो गिनती होती है, इसे किस श्रेणी में क्या कहा जाता है, इनको प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। आ गई बात समझ में, मतलब जो शुरू में गिनती बनी थी उसे क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। ईजी है, चलो। अब ये जो प्राकृत संख्या थी, इनका एडिशन चलता था, जोड़ घटाओ ये सब चला करते थे। तो लोग चार और तीन को जोड़ना होता था तो तीन और चार सात कर देते थे, जैसे उस टाइम में जब चला करता था, तीन प्लस चार बराबर सात चला करता था, सब बढ़िया से चल रहा था। चार में से दो घटाया करते थे तो आ जाया करता था दो, तो ये सब बढ़िया तरीके से चल रहा था, ठीक है। एक के मन में आया कि क्या हो अगर हम थ्री में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, जब हम थ्री में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा। अब तो भाई कन्फ्यूज़न होगी कि जब थ्री में से थ्री को माइनस किया जाए तो क्या आता होगा। तो भाई बहुत विचार विमर्श हुए, फिर किसी ने आंसर निकाला जीरो। किसकी खोज हुई, जीरो की। इस तरह से प्राकृत संख्या से हटकर किसकी खोज हो गई, जीरो की खोज हो गई। तो हमारी जो गिनती थी उसमें एक डिजिट और शामिल हो गया, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डैश डैश डैश, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो नई गिनती की जो शुरुआत हुई इसे कहा गया पूर्ण संख्याएं। क्या कहा गया, पूर्ण संख्या। आ गई बात समझ में, जिसमें जीरो भी ऐड हो जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं, होल नंबर। यहाँ तक समझ में आया। अब भाई सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है, थ्री में से थ्री घटाने पर भी हमने देख लिया था कि जीरो आता है, वो आ गया था, हमने नंबर में अपने ऐड कर लिया था। फिर किसी के दिमाग में और खुजली हुई, ठीक है, उसने क्या किया, उसने किया कि अगर क्या हो हम तीन में से चार घटाएं। अब चार में से तीन तो सबको पता था एक आता है, तीन में से तीन भी पता था जीरो आता है। अब भाई बात हुई तीन में से चार घटाने पर, अब क्या करें। तो इस स्थिति में क्या किया गया, संख्याओं को घटाया तो उसी तरीके से गया जिस तरह से आप घटाते हो चार में से तीन को, आता है एक, अंतर देखा जाता है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, एक। अब
इन दोनों के, अब देखो तीन में से चार और चार में से तीन दोनों को घटाने पर समान संख्या है, तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, गलत बात है ना। तो इसलिए जब कम में से ज़्यादा को घटाया गया तो इस तरह की संख्याओं का, संख्याओं से पहले क्या लगाना शुरू कर दिया गया, माइनस। इस तरह से खोज हुई माइनस की संख्याओं की। अब माइनस की संख्याएं जीरो तो ये होता ही है, ठीक है, आगे तो वन टू थ्री डैश 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 इन्फिनिटी तक होता ही है, ओके। इधर की साइड क्या हुआ, इधर की साइड माइनस वन लिया गया और माइनस टू लिया गया, माइनस थ्री डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरह से माइनस की संख्याओं की भी खोज हुई और इन्हें कहा गया पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। प्राकृत संख्या जो शुरू में हमने गिनतियों की खोज की थी वो तो क्या कहलाती थी, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद जब हमने देखा कि जब समान संख्याओं को घटाया जाता है तो कोई ऐसा नंबर निकालो जो गिनती में था ही नहीं, तो उसके अलावा ये जीरो की खोज हुई जब समान संख्याओं को घटाया गया। फिर बात हुई यार जब छोटी संख्याओं में से बड़ी को घटाते तो क्या आता है, तो इससे खोज हुई माइनस के नंबर्स की, ठीक है। तो ये होती है आपकी तीन तरह की मुख्य रूप से संख्याएं। अब किसी के मन में कि सर इनसे हटके भी कुछ संख्याएं होती हैं, तो देखो इनसे हटके जो संख्याएं होती हैं वो बनी तो इन्हीं को इस्तेमाल करके होती है, इनके अलावा तो कोई नंबर होता नहीं है कि सर ये नंबर वो नंबर, जो भी होगी वो इनके या तो बीच की होगी या इन्हीं से मिलकर बनी होगी, ठीक है, वो इनसे मिलकर बनी हुई होती हैं, उनके भी प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये तीन संख्याएं आप इसको नोट कर लो जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, और ये तीन जो लिखे हुए हैं कि इन इनको वो कहा जाता है, तो नोट कर लो। और स्टोरी आपको तरीका बता ही दिया किस तरह से याद करना है, शुरू में नॉर्मल गिनती, उसके बाद समान संख्या को घटाने पर जो जीरो जुड़ जाए तो उसे पूर्ण संख्या, और जब माइनस किया जाए तो पूर्णांक, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात में आपको पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक तो समझ आ ही गया होगा। अब इन संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनी होती है हम बात करते हैं उनकी, वो क्या होती है, देखो आपने इन संख्याओं के बारे में सुना ही होगा, सम संख्या, ठीक है, जिसे कहते हैं इवन नंबर, क्या कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाए किस संख्या का, दो का, ठीक है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं, ठीक है। एग्जांपल देखोगे, जैसे अब शुरुआत करते हैं, अब देखो हम शुरुआत करते हैं जीरो से, जीरो में दो का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना, जीरो में तो किसी का भाग दोगे जीरो ही आएगा, ठीक है। एक में दो का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता ना पूरा पूरा, तो एक एक सम संख्या नहीं है। अब दो की बात करोगे तो दो में दो का भाग जाता है पूरा पूरा, बिल्कुल जाता है, दो एकम दो, तो दो एक क्या है, सम संख्या है, ठीक है। दो के बाद तीन की बात करोगे तो तीन में नहीं जाता, चार देखोगे तो चार में जाता है, बिल्कुल जाता है, तो चार भी क्या है, एक सम संख्या। इसके अलावा छः आठ दस डैश डैश डैश, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, ये होती हैं सम संख्याएं, ठीक है, क्योंकि इन सब में दो का पूरा पूरा भाग जाता है। आ गई बात समझ में। अब देखो और एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे बीच बीच में से उठ के 352, ठीक है, अब कोई पूछ ले 352 में दो का भाग जाता है कि नहीं, तो जाएगा, क्योंकि इसका आखिरी डिजिट क्या है, टू। जिन संख्याओं का आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये हो, उन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जाता है, किनके लास्ट में हो, जीरो, जिनके लास्ट में क्या क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, ये नंबर कितनी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट का डिजिट, ये जो लास्ट डिजिट होता है ना, ये अगर इन पांच में से कोई एक अंक भी है तो उस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाता है। आता ही होगा ये तो, इतना जानते ही होगे, ठीक है।
अब बात तो ये मतलब एक तरीका है देखने का कि कोई संख्या दो से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। अगर संख्या के लास्ट में आपको ये पांच डिजिट दिख जाए तो सीधा सीधा देख के ही बता देना कि हाँ ये संख्या दो से पूरी तरह विभाजित है। आ गई बात समझ में, इसे नोट कर लेना। उसके बाद देखो अब बात करते हैं सम से अदर विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या क्या होती है, हाँ विषम संख्या सम और विषम कोई दिक्कत ही नहीं है, दो से पूर्णतः विभाजित हो। अरे हो तो सम हो गई ना, तो ना हो, अंडरस्टैंड। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या। एग्जांपल देखोगे सर, एक है नहीं जाता पूरा पूरा भाग, तीन नहीं जाता पूरा पूरा भाग, पांच सात नौ किसी में भी जाता है क्या पूरा पूरा भाग दो का, नहीं जाता ना। तो ऑल द नंबर्स आर ओड नंबर्स, इन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड नंबर्स, ठीक है, इवन ओड, 1, 3, 5, 7, 9। अब आती है बात कि सर हमको कैसे पता चले कोई बड़ी संख्या आ जाए वो विषम संख्या है कि नहीं। जिनके लास्ट में ये डिजिट ना हो उनके अलावा जो डिजिट हो, जैसे कि वो डिजिट क्या क्या हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से अगर आपको एक भी नंबर किसी संख्या के एंड का नंबर डिजिट दिख जाए तो वो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित नहीं है। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब एक बात होती है कि सर जीरो आपने कहा कि सम ना है ना विषम है, ठीक है, क्योंकि विषम सम है ही नहीं, तो लास्ट में जीरो, देखो लास्ट में जीरो आ जाए वो अलग बात है, अकेला जीरो तो सम विषम की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन किसी संख्या के लास्ट में, जैसे मान लो आपको मिल जाए पाँच के बाद में जीरो, पचास, अब पचास में दो का भाग जाता है कि नहीं, पच्चीस बार जाता है ना पूरा पूरा, तो लास्ट का नंबर मतलब अकेले जीरो को नहीं, किसी संख्या के बाद में जीरो हो, अगर लास्ट का अंक जीरो हो तो वो संख्या क्या होती है, सम होती है, और ना हो तो वो क्या होती है, विषम, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। जैसे अब इन संख्याओं पे बेस, जैसे कि कभी कभी सवाल दे देता है कि 4, 2, 2, 3, 9, 7, 2, 5, 2, 8, 9, 3, बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या। अब बच्चे इतनी बड़ी संख्या देख के वैसे ही डर जाते हैं, दो का भाग देने बैठ गए तो और माशाल्लाह, है ना। तो ये तीन जो है ये इसमें आ रहा है कि नहीं, तो जिस संख्याओं का आखिरी का डिजिट इनमें से कुछ हो वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या। समझ गए किस तरह से यूज करना है, इसमें ये पांच डिजिट होती है और इसमें भी ये पांच डिजिट होती है, इनका ध्यान रखना। अगर ये समझ गए तो आप सम और विषम को सिर्फ देख के ही पहचान सकते हो, ठीक है। अब हो गई सम और विषम की बात खत्म, इसको नोट कर लेना, ओके। अब सम विषम की बात हमने कर ली, तीनों तरह की नंबर्स की हमने बात कर ली, अब कुछ और संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। अब जिन संख्याओं की हम बात कर रहे हैं उनको लिखते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब साहब भाज्य संख्या क्या होती है, देखो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं, देखो पहली बात तो आप एक चीज आप जानते ही होगे कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है या कुछ भी है, कोई भी एक नंबर है, मान लो एक्स, ठीक है, एक्स एक नंबर है, तो कोई भी नंबर हो उसमें दो संख्याएं ऐसी होती हैं जिसका पूरा पूरा भाग हमेशा जाता है। एक तो एक होती है कि नहीं होती, एक का भाग हर संख्या में जाता है कि नहीं जाता, जाता है ना, और एक वो खुद, ठीक है, वो जो खुद वो जो संख्या है उसका भाग, जैसे मान लो मैं बात करूं 15 का, तो 15 में एक का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है सर, कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है, ओके, और 15 में 15 का भाग एक बार जाता है, बिल्कुल जाता है, जाता है कि नहीं जाता, एक का तो 15 बार जाता है और 15 में 15 का एक बार जाता है, तो एक और एक स्वयं संख्या पूरी तरह से विभाजित करती है अपने आप को, ठीक है। अब भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का किसी और संख्या का भाग जाता हो, जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
भाज्य संख्या। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे कोई पूछ ले कि सर ये बताओ कि क्या 21 एक भाज्य संख्या है। अब देखो आपको एक तो एक को काउंट नहीं करना, एक का भाग जाता है ना 21 में 21 टाइम्स, तो एक को तो हमें काउंट नहीं करना, ना ही हमें काउंट करना है 21 को। हमें इन दोनों से हटके कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका पूरा पूरा भाग 21 में जाता हो। अगर हमने एक भी नंबर ऐसा ढूंढ लिया तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। एक को छोड़ना है, दो का भाग देके देखोगे दो का भाग 21 में नहीं जाता, क्यों, लास्ट की डिजिट क्या है, ओड नंबर 1 है ना, तो 1 आपको बताया था 13579, जिन नंबर के लास्ट में मिल जाए वो संख्या क्या होती है, विषम, दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, तो ये दो से विभाजित नहीं है। तीन का देखोगे तो तीन का भाग 21 में 7 टाइम जाता है, 3 7 21, तो ये हो गई ना एक और स्वयं के अलावा किसी अदर संख्या से डिवाइडेबल, तो ये संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या। आ गई बात समझ में इस तरह। और अगर देखोगे अगर आपसे पूछा जाए 51, ठीक है 51, अब 51 देखोगे ना 1 को छोड़ना है और 51 को तो छोड़ना ही है, हमें इन्हें काउंट ही नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर 2 का भी नहीं जाता, 3 का देखोगे तो 3 का जाता है साहब 17 टाइम्स, कितने टाइम्स जाता है 17 टाइम्स, ओके, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या, ठीक है, ये भी क्या है, भाज्य। अब बात करते हैं एक और इससे अदर अभाज्य। जो संख्या भाज्य नहीं होती वो क्या होती है, अभाज्य होती है, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। एक एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य है ना ही क्या है, अभाज्य। याद रखना, नोट डाल देना, अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाता हो, क्या हो, ना जाता हो। अब खुद लिख लेना, ऊपर लिखी हुई है उसमें बस ना कर देना। एग्जाम्पल अगर इसके देखोगे तो 13, मुझे ये बताओ एक का जाता है, एक का तो साफ सब में जाता है और उसी संख्या का भी जाता ही है, इसके अलावा मुझे एक भी नंबर बता दो जिसका भाग 13 में पूरा पूरा जाता हो, है क्या कोई, नेवर। तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसके अदर देखोगे 17 अभाज्य संख्या, चाहे देख लेना करके, और क्या होंगी 23, ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी 7, ठीक है 9 मत लिख देना, 9 में 3 का जाता भाई 11, 11, ठीक है, और क्या देखोगे 19, बहुत सारे नंबर आप खुद दिमाग से सोच सकते हो। अब देखो इसका वो सम विषम की तरह कोई फॉर्मूला नहीं होता कि सर लास्ट में क्या होगा हम बता दें भाज्य है कि अभाज्य है, इसमें तो आपको खुद को दिमाग से सोचना पड़ेगा कि यार सर भाग जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। तो ये हो गई भाज्य, ये हो गई अभाज्य, आ गई बात समझ में, अभाज्य संख्या, ठीक। अब देखो भाज्य होगी अभाज्य हो गई, इसके बाद में एक नोट जरूर डाल देना इन दोनों को लिखने के बाद, इसे नोट कर लेना, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, जैसे भी अभी लिखना है तो अभी लिख लो। उसके बाद एक नोट जरूर डाल देना, नोट क्या होगा कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य, ठीक है। अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि एक में एक का भाग जाता है, ठीक है, स्वयं का जाता है, जाता है। अब बात करोगे कि सर ये तो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए क्योंकि इसमें स्वयं का जा रहा है एक का जा रहा है, और किसी का तो जा ही नहीं रहा। अरे उससे पहले उसे और संख्या मिली कहाँ रही है, संख्या मिलती अगर एक भी उसे मिल गई होती कि हाँ भाई चलो इसका भाग नहीं जा रहा, जीरो को काउंट करना नहीं है, सिर्फ 1 2 3 को काउंट करना है, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स एक से पहले तो कोई होता ही नहीं है जिसका हम भाग देख के देख सके, ठीक है। तो एक ना तो भाज्य है ना ही क्या है, अभाज्य। ये सारा नोट कर लेना, ओके, पुट द हैंड डाउन। अब बात करते हैं, भाज्य हो गया अभाज्य हो गया। अब देखो ये सारा था आपका पुराना जो आपने पहले पढ़ लिया होगा उसी को मैं रिवाइज कर रहा था। अब आपका जो मैटर है इस साल, इस साल और इससे पहले भी आपको ये परिमेय संख्या आपने पढ़ ली होगी, ठीक है, परिमेय संख्या, ये आपका मैटर अब बढ़ता जाएगा परिमेय संख्या पे बेस्ड, जिन्हें वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू के फॉर्म में, ओके, जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। सही है या कुछ रह गया? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन रह गई है, वो है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, कहीं इतनी सी परिभाषा लिख दो जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी लिखना बहुत जरूरी है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी क्या होती है वो एक संख्या क्या बनती है? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि ये बताओ 4/5 एक परिमेय संख्या है? साहब बिल्कुल है, पी बटे क्यू के रूप में लिखी हुई है। पी क्या है? 4, और क्यू क्या है? 5, है कि नहीं है? अब कभी कभी सवाल दे देता है 5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चे सोचते हैं कि यार 5 तो परिमेय संख्या कैसे होगी, 5 तो अकेली है, पी माने या क्यू माने। अच्छा, एक किसी भी संख्या के बटे में हम एक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 5 में एक का भाग दोगे 5 ही तो आएगा, वापस वही बन जाएगा। तो जब एक खाली डिजिट लिखी हुई हो तो वो भी एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? परिमेय संख्या। इसी तरह 7 मिल जाए तो वो भी एक क्या है? परिमेय संख्या। अब कभी कभी दे देता है रूट में 36। अब साहब क्या करें? देखो बटे एक तो इसके भी हो सकता है, लेकिन पहले हमें रूट सॉल्व करना आना चाहिए। अगर रूट सॉल्व होता है तभी हम बटे एक करेंगे, अंडरस्टैंड? नहीं तो नहीं करेंगे। अब 36 का अंडर रूट क्या होता है? अगर आप जानते हो 6 होता है, ठीक है, प्लस माइनस होता है, माइनस को भी नेगलेक्ट करो, ठीक, पॉलिनोमियल नहीं चल रही यहाँ पे, और 6 के डाउन में हम एक कर ही सकते हैं, तो ये क्या बन गई? ये परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, और एग्जांपल देखोगे अगर 64, इसका अंडर रूट होता है 8/1, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या बन गई, रैशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब आपको अगर ये मिल जाए 45 अंडर रूट में, अब आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते हो रूट किसका? 45 का, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अंडरस्टैंड? आ गए सारे तरफ के एग्जाम्पल कर लिए जो आपको मिल सकते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका हम परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं वो तो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। सिंपल नंबर 1, 2, 3, 4 सारी नेचुरल नंबर से एक रैशनल नंबर होते हैं, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको पहले से ही मिले हों उनमें तो क्या प्रॉब्लम। ठीक है, और जिनका हम स्क्वायर रूट परफेक्टली नहीं निकाल सकते, एक नेचुरल नंबर नहीं काउंट कर सकते, वो एक परिमेय संख्या नहीं होती। अंडरस्टैंड? और रूट के अंदर अगर माइनस मिल जाए तो उसे तो भाई भूल ही जाना। ठीक है, उसे गलती से भी अगर आपको रूट में मिल जाए 64 लेकिन माइनस के साथ, तो इसे मत कर देना कि सर माइनस 64 का हमें पता है 8 होता है, माइनस बाहर आ जाएगा। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर क्या मिल रहा है आपको? माइनस। ठीक है, गलती ना कर देना इसकी। अब देखो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल बता दिए किस तरह की होती है किस तरह की नहीं, इसे नोट कर लेना। ओके, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपको करना है। अब आपको परिमेय संख्या समझा दी, अब आपका नेक्स्ट नंबर आता है अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल हो गए। अब देखो ज़्यादातर नंबर जो होते हैं परिमेय के, वो होते हैं जिनका हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपको मिल जाए रूट में 19, हमें नहीं पता इसका परफेक्ट रूट क्या होता है, पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन हम इसे क्या मानते हैं? एक अपरिमेय संख्या। रूट में 21, रूट में 79, इस तरह के जो मोस्ट ऑफ द अंडर रूट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके हम परफेक्ट रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो किस कैटेगरी में आएंगे? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। अंडरस्टैंड? मोस्टली नंबर वही होते हैं जिनका हम परफेक्ट रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो एक क्या होती है? इरेशनल नंबर, लाइक रूट 5। नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे तो आप इनको प्रूव करना भी सीखोगे कि हम हाउ टू प्रूव दैट दी रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। ओके, इनका हम प्रूव भी पढ़ेंगे कि हाँ ये होती है, नहीं इसका प्रूफिकेशन भी होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आपके सिर्फ इनको फाइंड करना है, इनको कैटेगराइज करना है कि ये परिमेय है या परिमेय है या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या, नोट कर लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके। अब देखो मैं कुछ की परिभाषा डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद मैं बोल देता हूँ उस डेफिनेशन को, उसको नोट कर लेना। ओके, अब परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई। अब आपको एक नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, अगर इस क्लास में आपकी संख्या पद्धति है वास्तविक संख्याओं को देखोगे तो इन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, जिसमें परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी, मतलब
सम ऑफ अपरिमेय एंड परिमेय। अगर हम कंबाइन कर दें परिमेय और अपरिमेय को, तो जो नंबर्स का जो कैटेगरी, जो सारे नंबर्स होंगे, वो किस कैटेगरी के बन जाएंगे? रियल नंबर्स। अंडरस्टैंड? मतलब वास्तविक संख्याओं की परिभाषा आप लिखोगे, क्या लिखोगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, सम्मिलित जो एक कैटेगरी, एक पूरा जोड़ा होता है सारा, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अंडरस्टैंड? अब यहां पे आपको हर तरह के नंबर के बारे में ऑलमोस्ट समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको सारे नंबर समझ में आ गए होंगे। इन नंबर्स को और जो भी लिखा था उसको नोट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपको नंबर सिस्टम सारा समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी उसमें आपको आपके तरीके से, ठीक है, जो आपने अब आप 8th क्लास में निकाल चुके हो, दो रेशनल नंबर के मिड में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या फाइंड आउट करना आपने पढ़ लिया। आपने जो पहले पढ़ा था वो मध्य वाली प्रमेय तरीके से था। मध्य वाला तरीका क्या होता है? दो संख्याओं को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइडेशन, फिर उन दो को जोड़ के उनका 2 का डिवाइड, इस तरह से करते थे। उसके अलावा एक और तरीका होता था जिसमें आप डिनोमिनेटर हर का जो है समान कर देते थे, दोनों भिन्नों का हर, और उसके बाद मैथमेटिक्स टर्म जो भी है यूज़ करके उनके बीच की परिमेय संख्या फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। इसमें आपको एक तरीका और बता देंगे, न्यू आया जो फॉर्मूला टाइप है, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, जो भी था नोट कर लेना, आपको बाकी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।